आगे बढ़ते और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। प्रियंका ने ट्वीट कर दी है कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी। कहा, हल्के लक्षणों के साथ कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने होम क्वारंटाइन कर लिया है खुद को। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगी जो मेरे संपर्क में आए हैं, वे सभी आवश्यक सावधानी बरतें। आपको बता दें कि इससे पहले कल सोनिया गांधी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कोविड की, और वो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, और इसी की वजह से प्रियंका गांधी ने अपना दौरा रद्द किया और उन्होंने भी कोविड टेस्ट करवाए हैं। तो प्रियंका ने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है कि उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और कोविड पॉजिटिव हो गई है, और उन्होंने कहा कि हल्के लक्षणों के साथ कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, कल सोनिया गांधी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद प्रियंका गांधी ने अपना दौरा रद्द किया और कोविड टेस्ट करवाया, और अब उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। देखिए, ये तो संभवतः था ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मुलाकात करी थी दोनों ने, और उसके बाद ये सब हुआ। जहां तक केसी वेणुगोपाल है, केसी वेणुगोपाल का चौथा दिन है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, चौथा पांचवा दिन है वो रेस्ट कर रहे हैं, और सोनिया गांधी और यहाँ तक कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनका स्टाफ हुआ या उनके घर के लोग हुए या जो पिछले 10 दिनों में लोग मिले हैं, सभी ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है और बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जहां पर प्रियंका गांधी का सवाल है, प्रियंका गांधी पिछले 5-6 दिनों में कई बार अपने माताजी से मिल चुकी हैं, तो बहुत एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्योंकि उनको कोई सिम्टम उस समय इमिजिएट नहीं दिखाई दिए, अब उन्होंने बॉडी एक और इन सबकी शिकायत, गले में दर्द की शिकायत के बाद अपना टेस्ट कराया, इससे उन्होंने अपना दौरा रद्द भी करा, और जब तक रिपोर्ट आई तो वो कोरोना पॉजिटिव है। खुद प्रियंका गांधी ने उनके भी जितने भी सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने पिछले दिनों उनसे मुलाकात की है, उनसे ये कहा है कि आप अपना टेस्ट कराएं और सब आइसोलेट हो जाएं। तो अभी एक बार फिर जिस तरह की स्थिति है, अगर वापस से कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और क्योंकि लोग अब मास्क पहनना छोड़ चुके हैं या फिर लोगों से मिलना शुरू कर चुके हैं, और जहां तक सोनिया गांधी प्रियंका गांधी का सवाल है, पिछले 1.5 महीने में दल जनपथ पे और कांग्रेस में अपने आप में बहुत सारे बैठकें, बहुत सारे मोमेंट रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग रही हैं, बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, तो उसी सिलसिले में ये मल्टीप्लाई होकर फैल रहा है, और यही वजह है कि अब सोनिया गांधी पूरी तरीके से रेस्ट कर रही हैं। केसी वेणुगोपाल, चूंकि राज्यसभा चुनाव है तो कोई भी मुद्दा होता है, जैसे हरियाणा में परसों प्रभारी को उनसे बात करनी थी, तो उन्होंने फोन पर बात की, और उसके बाद कुछ मुद्दा था जो सोनिया गांधी को भी अवगत कराया, तो फोन के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। वहीं प्रियंका गांधी की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद वो रेस्ट कर रही हैं और तमाम जो चीजें हैं वो इलाज के लिहाज से कर रही हैं, और आगे भी और भी जो लोग हैं जो उनसे संबंधित हैं वो खुद का भी टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल के इतर होकर हम बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर आगे आ चुके हैं कोरोना की, और हम आम लोगों को भी ये सोचना होगा कि अगर फिर इतने हाई प्रोफाइल लोगों को जब इस तरह से कोरोना फैल रहा है, और हम लोग जो रोज ऑफिस जाते हैं, रोज लोगों से मिलते हैं, रोज मार्केट से खरीदारी करते हैं, बिल्कुल अदिति, अब जरूरत पड़ गई है कि हमें वापस से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना होगा, तमाम नियम फिर से लागू करने होंगे और तमाम नियम खुद पर ही लागू करने होंगे, ताकि हम अपनी और अपनों की सुरक्षा कोरोना से कर सके, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग भी इसके चपेट में आ रहे हैं, तो सभी को सुरक्षा बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो प्रियंका गांधी कोविड पॉजिटिव हुई है, कल सोनिया गांधी की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी, केसी वेणुगोपाल भी कोविड पॉजिटिव है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सभी जो उनके संपर्क में आए वो कोविड टेस्ट करवाएं, वो भी एहतियात बरतें, और साथ ही कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आम लोगों से भी फर्स्ट इंडिया अपील करता है कि आप भी सतर्कता बरतिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए। और ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो कोविड पॉजिटिव पाई गई है, हल्के लक्षण उनको नज़र आए और उसके बाद टेस्ट उन्होंने करवाया, उसके बाद कोविड पॉजिटिव वो हुई है।